हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस एक महामारी घोषित कर दी गई है और उसकी वजह से संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। तो आई होप आप लोग सब सुरक्षित होंगे और अपने घरों पर होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव बताने वाले हैं कि आप अगर मार्च या मार्च के बाद में अपने एम्प्लॉय का कोई भी आपके यहाँ एम्प्लॉय अपॉइंट होता है, कोई भी एम्प्लॉय आपके यहाँ जब अपॉइंट होता है तो आपको उसके लिए उसका न्यू आईपी नंबर जनरेट करना पड़ता है। अगर आपके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ESIC अप्लीकेबल होता है तो अब आपको जैसे ही आप ESIC के डैशबोर्ड पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक मैसेज नज़र आ रहा है जिसमें आपको कहा गया है कि अगर आप किसी भी नए एम्प्लॉय का आईपी रजिस्ट्रेशन करते हैं या ऑलरेडी आपके पास में जो एम्प्लॉय हैं जिनका आपने ऑलरेडी आईपी जनरेट किया हुआ है तो उनको उनकी आपको बैंक अकाउंट डिटेल और मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने उनका आईपी नंबर जनरेट करते हुए उनके बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं डाली है या उनका मोबाइल नंबर नहीं डाला है तो आपको अब उनको अपडेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये मैसेज कहाँ पर शो हो रहा है तो हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं अपने ESIC के डैशबोर्ड पर और जल्दी से अपना लॉगिन आईडी से अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेते हैं। जैसे आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने ESIC के डैशबोर्ड पर विजिट किया हुआ है जिसके लिए आपको टाइप करना है www.esic.in। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर गूगल क्रोम पे जाकर www.esic.in पर क्लिक करके इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है और उसके बाद में क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे, हमने अपना आईपी नंबर ऑलरेडी सेव किया हुआ है। इसके बाद में आपको कैप्चर डाल लेना है और यहाँ पर एंटर कर लेना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ मैसेज देता है तो आप यहाँ से क्लोज करते हैं इसको। फिर आपको यहाँ से आईपी डुप्लीकेशंस के बारे में मैसेज देता है, फिर आप इसको भी क्लोज करते हैं। फिर यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आया था कि अगर आप विद इन 10 डेज अपने आईपी अपने एम्प्लॉय का आईपी नंबर नहीं जनरेट करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपने एम्प्लॉय का जो आईपी कंट्रीब्यूशंस है, मंथली कंट्रीब्यूशन है, वो ऑनलाइन अगर फाइल करते हैं तो आप डेट समाप्त होने के 42 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ पर देखिए जो नया मैसेज आपको शो हो रहा है इम्पोर्टेंट मैसेज के नाम से, हम इसी मैसेज के आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, जिसमें कहा क्या गया है हम आपको 1-to-1 पढ़कर सुनाते हैं। जिसमें कहा गया है सबमिशंस ऑफ मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल। तो फ्रेंड्स, यहां पर दो चीजें हैं कि मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक नेम, ब्रांच नेम एंड IFSC, ये तीन चीजें आपके लिए मैंडेटरी रहने वाली है जिसमें आप अपने आईपी का ये सभी चीजों को अपडेट करेंगे, जिसमें बैंक अकाउंट, बैंक का नाम, ब्रांच नेम और IFSC कोड, यहाँ पर ये चीज़ें मैंडेटरी है कि आपको अगर आपने अभी तक अपने आईपी की ये सब चीज़ें अपडेट नहीं की थी तो आपको ये भी अपडेट करनी है। और अगर आप नया आईपी नंबर जनरेट कर रहे हैं तो उसमें तो आपको इन बातों को ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो कहा क्या गया है सबमिशंस ऑफ मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल, जिसमें बैंक नेम, ब्रांच नेम और IFSC कोड, शैल बी मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशंस ऑफ न्यू आईपी, शैल बी मैंडेटरी, अब ये मैंडेटरी हो जाएगा। फिर दूसरे में कहा क्या गया है एम्प्लॉयर आर रिक्वायर्ड टू अपडेट मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रजिस्टर्ड अंडर ESIC स्कीम। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि पहली लाइन पढ़ने से तो आपको ये पता चलता है कि अगर आपके यहाँ कोई नया एम्प्लॉई अपॉइंट होता है तो उसके लिए आपको न्यू आईपी जनरेट करना पड़ेगा, तो उसी में आपको ये सब चीज़ें अपडेट करनी है कि उसका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल। जैसे ही हम दूसरी लाइन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी, अगर आपने अभी तक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कि ये सब चीज़ें जिसमें मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल आपने अभी तक अपडेट नहीं किया था तो आपको उसमें भी अपने एम्प्लॉय का, जो कि आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी डिटेल, आपको बैंक नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। फिर तीसरी लाइन में क्या कहा गया है इट शैल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड अवॉइड एनी लीगल कंसिक्वेंसेस देयर ऑफ। यहाँ पर तीसरी लाइन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है
अपने इम्प्लॉय के आईपी जनरेट करते हुए उनका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल, चाहे वो नए इम्प्लॉय की केस हो या एग्जिस्टिंग इम्प्लॉय का केस हो, इनके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल जनरेट करने अपडेट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो डायरेक्ट इम्प्लॉयर की है। यानी कि आपके यहाँ अगर आपके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ESIC के प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं और आप अपने इम्प्लॉय का ESIC नंबर ले चुके हैं और आपने अगर मोबाइल नंबर उनका और बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं की है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री की होगी, यानी कि इम्प्लॉयर की होगी, जो कि आपको अब कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप नए इम्प्लॉय का आईपी जनरेट करते हुए इन सब डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करते हैं। और तो जैसे आपको पता है कि जब भी आपके यहाँ कोई भी इम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उसके लिए आपको आईपी नंबर जनरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको इम्प्लॉय का जो टैब नज़र आ रहा है उसमें आपको रजिस्टर न्यू आईपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो ये आपसे पूछता है इज आईपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक आईपी पहले किसी और इम्प्लॉयर के यहाँ काम करता था, यानी कि आपका कोई इम्प्लॉई पहले भी किसी इम्प्लॉयर के यहाँ काम करता था और उसका वहाँ पर आईपी नंबर ऑलरेडी जनरेट हुआ हुआ था, तो आप सबसे पहले उस इम्प्लॉई से ये पूछते हैं अपने यहाँ कि क्या भाई आपका पहले इंश्योरेंस नंबर था, यानी कि ESIC में आपका आईपी नंबर था, तो अगर था तो आप वही उससे आईपी ले कर और आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर नहीं होता है तो आप उसका नया आईपी जनरेट करते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि इज आईपी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्या आपके यहाँ जो इम्प्लॉय आया है वो पहले किसी और इम्प्लॉयर के जो काम करता था तो वहाँ पर उसका ESIC अप्लीकेबल था उसके ऊपर या नहीं था, अगर था तो उसका आईपी नंबर क्या था, और अगर नहीं था तो आप सिंपल नो पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे और यहाँ पर फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर ओके पर क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने से आपके सामने आईपी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नंबर 1 यहाँ पर आपके डैशबोर्ड पर नजर आ जाएगा। अब आपको ये आपको पता है कि आप अपने इम्प्लॉई का कैसे आईपी नंबर जनरेट करते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आईपी नंबर कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या आपको इसके बारे में कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप हमारे वीडियो सेगमेंट में जाकर सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नजर आ जाएगी कि आईपी नंबर न्यू आईपी कैसे जनरेट किया जाता है। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ हमारा यही है कि जो कि आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई भी एग्जिस्टिंग आईपी नंबर है और उसमें आपने उसका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं की है तो आपको कैसे कर लेनी है, और अगर आपके यहाँ कोई नया इम्प्लॉई आ रहा है और उसकी आप आईपी नंबर जनरेट करने जा रहे हैं तो उसमें उसका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल कहाँ पर अपडेट करनी है। तो उसके लिए आपको आ जाना है नीचे, जैसे आप नज़र आ रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप उसका मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर अपडेट करना है, उसके बाद में सबसे नीचे आपको आ जाना है जहां पर आपको नजर आ रहा है पॉइंट नंबर 14, जिसमें आपको लिखा है डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, कि आपको अपने इंप्लॉई का बैंक अकाउंट डिटेल कैसे अपडेट करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पर एंटर डिटेल्स है पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने आईपी का अकाउंट नंबर डाल लेना है, उसके बाद में आपको आपके इम्प्लॉय का अकाउंट करंट अकाउंट है, सेविंग है या फिर कोई अदर अकाउंट है तो यहाँ पर उसका नेचर सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट का कि क्या है, करंट है या सेविंग है। उसके बाद में आपको बैंक का नाम लिख देना है कि SBI है, जोन सा भी बैंक है। उसके बाद में आपको नेम ऑफ ब्रांच कि वह बैंक कौन से शहर में है, कौन सी ब्रांच पड़ती है उसकी, यहाँ पर उसका ब्रांच का नाम डाल देना है। ये देखिए MICR कोड ऑफ द बैंक या ब्रांच, जैसे आपने बैंक की पासबुक पर देखा होगा IFSC कोड के ठीक पास में ही MICR कोड होता है, लेकिन यहाँ पर यह डालना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी जो जो आपके लिए है उसमें आपको रेड स्ट्रिक्ट नज़र आ जाएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर के ऊपर रेड स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है आपको, फिर इसी तरीके से टाइप ऑफ अकाउंट्स पर रेड स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, तो ये मैंडेटरी है आपके लिए इन्फॉर्मेशन सबमिट करना, और नेम ऑफ बैंक के भी ऊपर आपको यही रेड स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, इसी तरीके से नेम ऑफ ब्रांच के ऊपर भी रेड स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है, ये भी मैंडेटरी है। लेकिन अगर वही बात करें हम MICR कोड की तो यहाँ पर रेड स्ट्रिक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है।
इसके बाद में आईएफएससी कोड ऑफ द बैंक ब्रांच, ये तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए सबमिट करना, जहां पर आपके बैंक अकाउंट डिटेल डलती, अकाउंट नंबर डलता है, वहां से आईएफएससी कोड भी जरूर डलता है। और यहां पर आपको देखिए रेड डिस्ट्रिक्ट भी नजर आ रहा है। उसके बाद में आप सिंपल क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, और ऐसा करने से आप अपने इंप्लॉय की बैंक अकाउंट डिटेल भी आसानी से अपडेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको अपने एग्जिस्टिंग इंप्लॉय के केस में भी अप्लीकेबल होती है, कि आपको अगर उनकी बैंक अकाउंट डिटेल आपने अभी तक अपडेट नहीं की है और मोबाइल नंबर, तो आप जल्दी से उसको अपडेट कर लीजिए। और अगर आपके यहाँ कोई भी नया एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उस केस में आपको उसका न्यू आईपी जनरेट करना पड़ता है, न्यू आईपी नंबर जनरेट करना पड़ता है। तो उस केस में तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी ही हैं। जब उसका नया आईपी नंबर जनरेट करेंगे तो आपको उसका बैंक अकाउंट डिटेल और उसका मोबाइल नंबर अच्छी तरीके से अपडेट करना है, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की ही है, जैसा हमने आपको अभी अपने स्क्रीन पर वेब पॉपअप मैसेज पढ़कर सुनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी महसूस हुई है या आप कुछ भी हमारे से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी जाकर अपना सजेशन हमें दे सकते हैं। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए हम इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, कि जिससे कि आपको अपने प्रोफेशनल में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर आगे अपनी एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।